स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमको आगे के चार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, ठीक है। तो आगे के चार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे ये बाकी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे आए हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारे कैसे आए हैं, तो नेक्स्ट फोर हम अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 2/11 जो हमारी पहली संख्या उसको हम लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, 4/22 लेकर आना है, ठीक है। नेक्स्ट में 4/22 लेकर आना है। अब ऊपर 4 कब आएगा, जब हम इसकी इस 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा यहाँ 4 आएगा, है ना। और आपको पता है, मैंने बताया था कि जिस संख्या के हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी की हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जिस संख्या से, एक बार फिर से सुन लो, जिस संख्या से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या से हमको नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो ऊपर हमें 2 से की है तो नीचे भी हम 2 से ही करेंगे, तो हमारा 4/22 आ गया। नेक्स्ट में हमको क्या करना है, 2/11 लिखना है फिर से, ठीक है। अब हमें क्या लेके आना है, 6/33 लेके आना है। एक बार हमने 2 से कर लिया, एक बार हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, और जब 2 की 3 से करेंगे हमारा तभी तो 6 आएगा। और जिस संख्या के हम ऊपर मल्टीप्लाई करें उसी संख्या से हमें नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे भी हम 3 से करेंगे तो 6/33 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये दोनों कैसे आए, इसमें तो हमने 2 से मल्टीप्लाई की थी, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई की थी। अब नेक्स्ट 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2/11 हमने लिख लिया, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 2 8, 11 4 44। नेक्स्ट में हमने ये संख्या लिख ली, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, और ऊपर 5 से होगा तो नीचे भी 5 से होगा, 10/55 आ जाएगा। फिर हम 6 से करेंगे, देन हम 7 से करेंगे, इस तरह से हम 4 टाइम्स नेक्स्ट आगे कर लेंगे, ठीक है, 2/11 की। तो हमारे 6/33 आ गया। नेक्स्ट हमारा 8/44 आएगा, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट में आप 8/44 फिल करोगे, फिर उससे नेक्स्ट में आप क्या फिल करोगे, 10/55, देन आप उससे नेक्स्ट में क्या फिल करोगे, 12/66, देन आप उससे नेक्स्ट में क्या फिल करोगे, 14/77। इस तरह से आपको ये बाकी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं सभी के, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही होगा, ये देखिए दूसरा, दूसरे का पहला, इसका हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें। तो 1/4 की पहले हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, ऊपर 2 से करेंगे तो नीचे भी 2 से करेंगे, 2/8 आ गया। फिर हम 1/4 की किससे करेंगे, 3 से करेंगे, ऊपर 3 से करेंगे तो नीचे करेंगे 3 से, 3/12 आ गया। नेक्स्ट हम 4 से करेंगे तो 4/16 आ गया। फिर हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 1/4 के ऊपर 5 से करेंगे तो नीचे भी करेंगे, 5/20 आ गया। इस तरह से हमने 4 टाइम आगे ये कर लिया है। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द मिसिंग न्यूमेरिकल्स। हमको मिसिंग न्यूमेरल्स है वो निकालने, यानी कि जो हमारे मिस हो चुके हैं वो हमें निकालने, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी कि नहीं दिया हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नीचे 30 कैसे आया है, ठीक है। जब हमें ये पता चल जाएगा नीचे 30 कैसे आया, तो हम ऊपर वाली संख्या को इजिली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब नीचे 30 कैसे आएगा, नीचे 30 तभी तो आएगा जब हम 5 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 5 जो 30 होते हैं, और 5 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और नीचे जो संख्या आएगी वही ऊपर आएगी, ठीक है। आपको बताया था मैंने, दोनों जगह हमारी सेम संख्या आएगी मल्टीप्लाई वाली, ठीक है। ये देखिए, ये हमें मिसिंग वर्ड फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया, पता होना चाहिए 30 कैसे आया, 30 कब आएगा जब हम 5 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी 6 आएगा, तो 18/30 आ जाएगा, 6 3 18, तो हमारे मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कंप्लीट करने हैं।